आज मैं लेकर आई हूँ खस्ता करारे नमक पारे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आटे से बनने वाले, जो हेल्थी रहेंगे बच्चों के लिए। बच्चे बाहर की चीज़ खाते हैं, इसलिए आप घर में बनाना और बच्चों को खिलाना। आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए 2 कप आटा लूँगी। अब मैं नमक पारे को क्रिस्पी बनाने के लिए एक चीज़ इसमें ऐड करती हूँ, वो है सूजी। सूजी डालने से नमक पारे हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों से क्रश करके इसको भी डालेंगे। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे जो आटा बंधने लगे। थोड़ा सा तेल और डालूंगी और अच्छे से मिलाएंगे जो आटा हमारा बंधने लगे। अच्छे से मैंने आटे में तेल मिला लिया। इस तरह से हम इसको बांध के देखेंगे। ये देखो कितना अच्छा बंध रहा है। अब आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटे को सख्त गूंधेंगे। आटा सख्त गूंधने से नमक पारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। नमक पारे का डो तैयार है। अब इस पर तेल लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये अब हमारे 10 मिनट देखो शुरू होने वाले हैं। ये देखिए 10 मिनट होने वाले हैं। आइए हम नमक पारे के आटे को खोलकर देखते हैं। इस डो को थोड़ा सा और गूंधेंगे और हम इस आटे को 3 हिस्से में बांट लेंगे। एक लोई को ले लेंगे और बाकी ढककर रख देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा पतला करेंगे। ऐसे रोटी की तरह से बेल लेंगे। इसे हमें रोटी से थोड़ा बारीक बेल लेना है। ये देखो मैंने कितना बारीक बेल लिया है। नमक पारों की शेप में हम इस तरह से रोटी को काट लेंगे। इस तरह से चाकू की मदद से हम सलेपे से नमक पारों को छुटा लेंगे। जो चिपके हुए होंगे चाकू से आराम से छुट जाएंगे। सारे नमक पारे हम प्लेट में रख लेंगे। नमक पारों की कितनी अच्छी शेप आई है। ये देखिए सारे नमक पारे बनकर तैयार हैं। अब हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। पहले हम तेल को तेज़ गर्म कर लेंगे और फिर नमक पारे डालेंगे। अब हम गैस को डिम कर देंगे। नमक पारों को हम फ्राई करेंगे। नमक पारों इस तरह से हम चला देंगे जो आपस में चिपके नहीं। ये देखो कितने बढ़िया नमक पारे फ्राई हो रहे हैं। डिम गैस पर हम नमक पारे फ्राई करेंगे। नमक पारे क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए नमक पारों को कैसा गोल्डन कलर आने लगा है। अब हम नमक पारे हमारे फ्राई हो चुके हैं। तेल में से हम नमक पारों को निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से नमक पारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखो कितने क्रिस्पी नमक पारे सिके हैं। इसी तरह से हमें सारे नमक पारे फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए कितने खस्ते करारे नमक पारे बने हैं। क्या बढ़िया कलर भी आ रहा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप मेहमानों के सामने भी इन्हें नाश्ते में रख सकते हैं। और ये नमक पारे हम 1 महीने तक स्टोर करके रख देंगे। बिल्कुल ये इसी तरह से करारे रहेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी करारे से नमक पारे बनकर तैयार हैं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। बाय बाय।